नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 और मैं हूं अमित। दिनांक 21 जून 2019 को झारखंड के खरसावा निवासी तबरेज अंसारी उर्फ सोनू को चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटकर मार डाला गया। भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम में लगी भीड़ ने उनका नाम पूछा, फिर जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगवाया। भीड़ जालिम की तरह पीटती रही। घायल तबरेज की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जानकारी मिल रही है कि तबरेज दूसरे राज्य में वेल्डर का काम करते थे और ईद की छुट्टी मनाने घर पे आए थे। तबरेज अंसारी की मृत्यु के बाद पूरे देश में सोशल मीडिया में एक अलग ही लोगों का एक अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। इस घटना में लोग अपनी प्रतिक्रिया तरह तरह से दे रहे हैं। हैदराबाद के चार मीनार से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने संसद भवन में इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में इस घटना पर आक्रोश का माहौल बना है और लोग इस घटना पर कहीं कैंडल मार्च निकाल के तो कहीं इंसाफ मार्च निकाल के अपने अपने तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरे देश के विभिन्न शहरों में दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, लगभग सारे शहरों में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग करके जो हत्या की गई है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। इसी कड़ी में बिहार के रोहतास जिला के नोखा बाजार में अखिल भारतीय अम्बेडकर कल्याण संघ के तत्वाधान में आज शाम में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये कैंडल मार्च राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया और इसमें नोखा के तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोग शामिल हुए। नहीं ना पा रहा है थोड़ा सही से हो जाएगा। जाति और धर्म के नाम पर कुछ विशेष तबके के लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो चाहे दलित हो, पिछड़े हो या कोई भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जिनको कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग आए दिन उनका जाति पूछते हैं, कौम पूछते हैं और उनको जान से मार देते हैं। आपको यूपी में घटना हुई, फिर मुजफ्फरपुर में भी घटना हुआ था, अभी जो है आपको एक झारखंड की घटना है। और इस तबरेज अंसारी के साथ इतना जाति हुई कि लोगों ने मारा पीटा तो सही बात है, इससे बढ़ियारी बुलवाया गया कि जय श्री राम का नारा लगाओ, जय हनुमान का नारा लगाओ। ये देश किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति का नहीं है। इस देश में सभी तरह के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, वो अमीर हो या गरीब हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, दलित हो या पिछड़े तबके के हो, ये देश उन तमाम लोगों का है और सबको बराबरी का हक दिया है। इस नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए, अत्याचार दमन शोषण के विरुद्ध जो कुछ भी देश में हुआ है, राज्य के अंदर, समाज के अंदर लोगों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, आज उसमें जितने भी हमारे इंसाफी की लड़ाई को लड़ने वाले नौजवान साथी, देश को बंटने से रोकने के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले मेरे नौजवान साथी युवा लोग, जो आज इस कैंडल मार्च में शामिल होकर के इस हिंदुस्तान को ये दिशा दशा तय कराने की जिम्मेवार लिए हैं कि कल भी ये देश धर्म निरपेक्ष देश था, आज भी धर्म निरपेक्ष है,
और आने वाले कल भी धर्म निरपेक्ष ही रहे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो को तुरंत पाने के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।